और देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज के लिए तस्वीरें सामने आई है। वहां पर जमकर विरोध हो रहा था। भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद का जब ऐलान किया गया तो उसका सबसे अधिक असर बिहार के कई जिलों कई शहरों में देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भारत बंद के आह्वान के बाद जहां पर जमकर विरोध नारेबाजी हो रही थी वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और वहां पर लाठीचार्ज करते हुए तस्वीरें सामने आ रही। जो लोग वहां पर मौके पर पहुंचे हुए, जिन लोगों ने विरोध किया, नारेबाजी कर रहे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ ये एक्शन यहां पर लिया गया है। कई राज्यों में कई शहरों में भारत बंद का ऐलान किया गया। उसके बाद कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला। खासतौर पर बिहार में कई रेलवे स्टेशन पर ये लोग पहुंचकर वहां पर विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हुई, दुकानें बंद कर दी गई हैं। आप देख पा रहे किस तरीके से पूरा जो मार्केट है वो इस वक्त बंद है किया गया था। और भारत बंद का जब ऐलान किया गया तो उसका सबसे अधिक असर बिहार के कई जिलों कई शहरों में देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भारत बंद के आह्वान के बाद जहां पर जमकर विरोध नारेबाजी हो रही थी वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और वहां पर लाठीचार्ज करते हुए तस्वीरें सामने आ रही। जो लोग वहां पर मौके पर पहुंचे हुए, जिन लोगों ने विरोध किया, नारेबाजी कर रहे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ ये एक्शन यहां पर लिया गया है। कई राज्यों में कई शहरों में भारत बंद का ऐलान किया गया। उसके बाद कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला। खासतौर पर बिहार में कई रेलवे स्टेशन पर ये लोग पहुंचकर वहां पर विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हुई, दुकानें बंद कर दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो मार्केट है वो इस वक्त बंद है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।